माननीय सांसद संजय सिंह जी चेयरमैन साहब के पास जाने का प्रयास करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी तरफ भी देखिए, विपक्ष की तरफ भी आपकी कुछ निगाहें हैं, ताकि हम जो बात कहना चाहते हैं वो बात रख सके, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की बात सुनी जाए लोकतंत्र। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस समय लीडर ऑफ द हाउस ने ना आओ देखा ना ताओ देखा सस्पेंशन मोशन मूव करते हुए उन्हें सस्पेंड करा दिया। ये लोकतंत्र की हत्या। अगर लोकतंत्र में राज्यसभा के भीतर बहस करने की मांग पर भी सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो इस देश में क्या ही लोकतंत्र पर। देखिए आज जो राज्यसभा में देखा गया वो अविश्वसनीय था। जिस प्रकार से सारे साथी गैर भाजपा राजनीतिक दलों के मणिपुर पे बहस की मांग कर रहे थे, करीब 10-12 मिनट तक अपनी सीट पे रहते हुए हाथ जोड़कर चेयरमैन साहब से दरख्वास्त कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि मणिपुर पर बहस कराइए और हमें बात बोलने दीजिए। लेकिन चेयरमैन साहब ने, और जब हम चेयरमैन साहब का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए क्योंकि उनका ध्यान ट्रेजरी बेंचेस की ओर था, हमारे एक साथी माननीय सांसद संजय सिंह जी चेयरमैन साहब के पास जाने का प्रयास करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी तरफ भी देखिए, विपक्ष की तरफ भी आपकी कुछ निगाहें हैं, ताकि हम जो बात कहना चाहते हैं वो बात रख सके, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की बात सुनी जाए लोकतंत्र में। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस समय लीडर ऑफ द हाउस ने ना आओ देखा ना ताओ देखा सस्पेंशन मोशन मूव करते हुए उन्हें सस्पेंड करा दिया। हमारे एक महत्वपूर्ण साथी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर लोकतंत्र में राज्यसभा के भीतर बहस करने की मांग पर भी सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो इस देश में क्या ही लोकतंत्र पड़ेगा। हमने चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करी आज, तमाम राजनीतिक दलों ने पर्सनली जाकर जब हाउस एडजर्न हुआ चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज उनके सस्पेंशन को रिवोक किया जाए, और अगर नहीं रिवोक करते हैं तो फिर वो दिन दूर नहीं कि आप सारे ही विपक्ष के साथियों को सस्पेंड कर देंगे, फिर तो हम सभी को सस्पेंड कर दीजिए। इसी चलते हमने ये सारी दलीलें उनके सामने रखी हैं कि जब आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए तो एक साथी सांसद आपके पास गए, आपसे रिक्वेस्ट करिए कि कृपया कर हमारी आवाज भी सुनी जाए, हमारा मणिपुर का जो मुद्दा है उस पर बहस हो। लेकिन उन्होंने सस्पेंशन करना मुझे लगता है बेहतर समझा। हमने हाथ जोड़कर विनती करी है चेयरमैन साहब से कि कृपया कर आप अपने इस फैसले पे पुनर्विचार करें, इसे रिकंसिडर करें और इस सस्पेंशन को निरस्त करें, इसे रिवोक करें। देखिए बीएसई की बैठक में भी कुछ मतभेद रहे जिसके चलते विपक्ष के तमाम सारे राजनीतिक दलों ने ही और फ्लोर लीडर्स ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का भी बहिष्कार किया, चले गए वहां से। उसमें कुछ लोगों की वहां पे उपस्थिति को लेकर कुछ सवाल थे, कुछ और अन्य सवाल थे, तो सबने सोचा कि शायद छोड़ना ही बेहतर होगा, बीएसई की मीटिंग का बहिष्कार करना ही बेहतर होगा क्योंकि हमारी आवाज तो सुनी नहीं जा रही थी। मेरा फिर से हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा सरकार से, सत्ता पक्ष से भी, माननीय चेयरमैन साहब से भी, चेयरमैन साहब हम सबके बहुत आदरणीय हैं, कि कृपया कर इस सस्पेंशन पे पुनर्विचार करते हुए इसे निरस्त करें, सदस्यों को अपने पास बुलाएं, बातचीत के लिए बुलाएं, कोई सलाह मशवरा करना है उनसे करें, कोई राय देनी है उनको राय दीजिए। लेकिन सदन में अगर विपक्ष खड़े होकर मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे की, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा उठाता है, ऐसे राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पे किसी को सस्पेंड करना ठीक नहीं है। ये हमने हाथ जोड़कर उनसे विनती रखी। देखिए सारे लोग हाउस एडजर्न होने के बाद चेयरमैन साहब के कमरे में गए, उसमें सारे इंडिया ग्रुप के सारे साथी थे, तमाम फ्लोर लीडर्स थे, कांग्रेस पार्टी से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक, वामपंथी साथियों से लेकर शिवसेना तक, सारे लोग साथ थे और सबने हाथ जोड़कर विनती करी है कि कृपया कर संजय सिंह की जो एक सस्पेंशन हुई है उसे रिवोक किया जाए। इस प्रकार से सदस्यों को सस्पेंड करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में बातचीत होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, और अगर कोई साथी अपनी आवाज उठाने के लिए हल्का सा विरोध भी करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो मैं सत्ता पक्ष को याद दिलाना चाहूंगा अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी के बयानों का, जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुआ करते थे राज्यसभा और लोकसभा में रिस्पेक्टिवली, वो कहा करते थे कि प्रोटेस्ट
और विरोध करना सदन के भीतर लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा है और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, इसे गलत ना समझा जाए। और कहा करते थे उस समय कि सदन की कार्रवाई को स्थगित कराना भी लोकतंत्र के हित में है। आज हमने सदन की कार्रवाई तो स्थगित नहीं कराई, लेकिन हाथ जोड़कर यही विनती करी है कि एक सदस्य की आपने सदस्यता को सस्पेंड कर दिया गया है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसा ना करें, उनका उनका राइट है हाउस में जाकर अपनी बात बोलना, मणिपुर के लोगों की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात उठाना। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।